आज के टाइम पे लोग व्लॉगिंग देख व्लॉग्स देखते हैं क्यों देखते हैं व्लॉग्स वो कोई खा रहा है कोई पी रहा है कोई घूमने जा रहा है क्यों तो मेरे को, मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगती थी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा व्लॉग देख रहा है कह रहा भाई बस देखो पता है उसने नई गाड़ी ली है तो, तो बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिएशन हो रहा है फिर मैंने बैठ के इसको थोड़ा रिसर्च सोचा कि क्यों हो रहा है क्योंकि मैं तो मार्केटर हूं मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो बहुत सारे लोगों के सर्वे लेके समझ में आया वो ये है कि वो लोग अकेले है आज उनके पास ऐसा दोस्त नहीं है जो उनकी सारी बातें सुने क्योंकि वो क्या है जो ब्लॉगर है वो एक आइडल जिंदगी जी रहे वो कह रहे बहुत बढ़िया ये बंदा तो एक एक वो एक... जैसे आज की टाइम पे एक्शन मूवीज चल रही है तो वो एक वे, वे आउट है कि हम अपनी जिंदगी से निकले और एक देखे भाई शाहरुख का करके पांच बंदे मार दिए एस्केप है वो तो सिमिलरली लोग उसको एज ए देख रहे हैं तो मैं एज ए क्रिएटर चाह रहा था कि मैं

बट वो है सेलिब्रिटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, है, ना? वो इतनी कर रहा है वो में खाना खाता है वो सेम गाड़ी क, चलाता है वो बड़ा सिमिलर लाइफ एग्जिस्ट करता है जैसे आपकी है, so, है. इसीलिए सेलिब्रिटीज की रीच बहुत ज्यादा होती थी बट इन्फ्लुएंस कम होता था बट इन्फ्लुएंसर्स इसीलिए पूरा मार्केटिंग सारा डी टू सी इन्फ्लुएंसर ही चला रहे हैं राइट

<laughs> <laughs> बहुत डर लगता है ये जैसे सही बता रहा हूँ मेरे को तो जनरली लगता है कि एजेए आ जाएगा तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा जिसके पास पैसा है ना वो तो बस यही करेगा बस वो जिंदगी जिएगा सब कुछ यही करेगा आई थिंक सोसाइटी भी काफी आ, अलग सेंस में डिवाइड होएगी हाँ। जैसे आपका सवाल था कि जॉब्स का क्या होगा राइट आई थिंक सवाल ये नहीं है कि जॉब्स का क्या होगा सवाल ये है कि जैसे-जैसे ये इतना चेंज आ रहा है ये जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है फ्रॉम गवर्नमेंट टू बिजनेसिस टू इंडिविजुअल्स हाउ आर दे एबल टू टू दिस राइट तो आई थिंक इसीलिए एक लार्जर अवेयरनेस की ज़रूरत है एट अ जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उनके लिए uh, कि एक लार्जर अवेयरनेस की जैसे जैसे सोसाइटी टेक्नोलॉजी चेंज होगी सोसाइटी कैसे रिस्ट्रक्चर होएगी मतलब अगर आप एक काफ़ी फेमसली सैम वॉल्टमेन जो कि ओपन ए आई की फाउंडर है उनका कहना है कि ए जे आई विल ब्रेक कैपिटलिज्म मतलब आज की रेट में हम लोग काम करते हैं क्योंकि एक इंसेंटिव सेट है एक कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर सेट है बट अगर वो इंसेंटिव ही सेट हो जाएगा इंसेंटिव ही सेट नहीं होगा क्योंकि इंटेलिजेंस एक तरीके से कमोडरटाइज हो जाएगी सबके पास एक ए आई असिस्टेंट होगा जो कि हाईली इंटेलिजेंट होगा तो ह्यूमन एवरेज ह्यूमन के पास कुछ इंसेंटिव नहीं बचेगा काम करने का जैसे हम इकोनॉमी बात कर रहे थे राइट तो कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो किस तरीके से चेंज होगा क्या वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा क्या वो सोशलिज्म लॉन्ग एज वी शुड बी एबल टू अटैप आपसे पूछता हूँ फिगर आउट जो वर्ड बोला है वो बहुत रिस्की वर्ड है ठीक है दो बातें एक किस डेट में आ सकता है दूसरा फिगर आउट छह सात साल हैं हमारे पास

तो वो डिफरेंस आई थिंक विद द न्यूअर जनरेशन इज ऑलरेडी कम और अगर इन द नेक्स्ट डेकेड विद द प्रोडिक्शन आजी आई बट आई स्टिल थिंक कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल गोइंग टू बी स्कैटर्ड जैसे इंटरनेट राइट कितने साल हो गए अभी भी अब किसी गांव में जाओगे अफ्रीका में जाओगे तो नहीं है इंटरनेट सो so, जो बिकॉज द देशन इन सर्टन वे टेक्स टाइम तो हमारे लिए मे बी टॉप वन परसेंट के लिए आ जाएगा अगले छह से सात साल में जहां से हमें काम कम करना पड़ेगा बट वो टिल द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ कब पहुंच रहा है लगेगा उसमें टाइम बहुत टाइम लगेगा बात बात भी बात सही है पेनिट्रेशन तो right? सारे हो हो तो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हो गया मुकेश अंबानी क्या बता जो कॉन्सेंट चला रहे हैं अनलिमिटेड फाइव जी क्या बता यही स्कीम जाए कि हमेशा ही फाइव जी अनलिमिटेड रहेगा अब डेटा के पैक्स नहीं लेने आपको डेटा प्रॉब्लम ही नहीं है अगर ये वाली हो जाता है और गाँव गाँव के अंदर छोटे छोटे लोग उनके लिए तो बड़ा नॉर्मल है जैसे हम अभी भी वो हो जाते अपने आप, आप कैसे हो गया लाइक सब टाइटलिंग अपने आप कैसे हो गया उनके लिए वो इतना नॉर्मल होगा कि ये तो करना ही है इसलिए तो टेक्नोलॉजी बनाई है हमने बट आई थिंक लास्ट लेग पहुंचता है या क्या वो अपने टाइम के साथ कर सकते हैं क्योंकि जो वो करते थे वो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ग्लोबली होना स्टार्ट हो गया है, uh, हो है ये भी कहीं ना कहीं की जब कैपिटल होगी तभी एडीआई हो पाएगा तो हाउ डज दैट रियली पैन आउट आई थिंक वो गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा दट हाउ डैट अडॉप्शन कम्स इन टू प्लेस